हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में माता के आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र प्राचीन परंपराओं के मुताबिक विधि पूर्वक पूजा अर्चना के साथ शुरू हो गए। हालांकि महामारी के चलते माता के मुख्य द्वार बंद हैं और माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को भी मनाही की गई है, लेकिन प्राचीन परंपराओं के मुताबिक विधि पूर्वक माता के गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं। एक गुप्त नवरात्र में जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से पहुंचते थे, श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहां पर बाजारों में बिल्कुल भी श्रद्धालु नजर नहीं आ रहे। बाजारों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। शहर की दुकानें भी बंद हैं क्योंकि यहां का ज्यादातर कारोबार श्रद्धालुओं के और पर्यटकों पर निर्भर करता है। हालांकि इससे पहले चैत्र नवरात्रि के दौरान बाजार बंद रहे थे और अब गुप्त नवरात्रि भी इस महामारी के कारण श्रद्धालुओं को काफी दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि ये गुप्त नवरात्रि माता के दरबार में विधि पूर्वक मनाए जाएंगे। जो आज से माता नैना देवी के गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता था, भीड़ ठीक होती थी, इकट्ठी होती थी, पर जो कोरोना की वजह से यहाँ पे ना तो कोई भीड़ है, ना ही दुकानदारी किसी काम की रही है, ना काम है ना ही भीड़ है। बाकी जो महामारी की कृपा उसके हिसाब से चलेगा आगे। जय माता जी। हमारे ना यहाँ आजकल ये गुप्त नवरात्रि चले हुए हैं तो बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ और दुकानदारी बहुत ज़्यादा चलती थी। आजकल ये महामारी फैलने से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, कोई यहाँ यात्री नहीं आ रहा है, दुकानदारों का सबका जितने भी थे नैना देवी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा समस्या है, दुकानदारों पर बड़ी हुई है ज़्यादा समस्या, जैसे यहाँ कोई मंदिर में आ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या है उसकी वजह से।